हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल सो फाइनली द मोस्ट अवेटेड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा टुडे जैसे कि आप सबको पता है कि इंडिया से कैनेडा एंड कैनेडा से इंडिया की जो डायरेक्ट फ्लाइट्स थी वो सितंबर 2021 से स्टार्ट होनी शुरू हो गई थी अब उनकी फ्रिक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं बट अगर हम एयर फेयर की बात करें तो इट्स ऑन अ वेरी अपर साइड आपको अगर डायरेक्ट फ्लाइट से इंडिया या कैनेडा ट्रैवल करना है या कैनेडा टू तो इंडिया रिटर्न ट्रैवल करते हैं तो वो अराउंड ट्वेंटी फाइव हंड्रेड तो टू थ्री थाउजेंड डॉलर बेयर मिनिमम आपको मिल रही है अभी भी अगर हम तीन महीने या चार महीने बाद के प्राइजेस देखें तो नाइनटीन हंड्रेड टू थाउजेंड इज द बेयर मिनिमम प्राइस जो हमें मिल रहा है ऑनलाइन इसका रीज़न क्या है इसका रीज़न ये है बिकॉज कैनेडा ने जो अपने रूल्स अपडेट किए थे कि आप इंडिया से जो उनका जेनेस्ट्रिंगस लैब की जो कोविड टेस्ट रिपोर्ट है नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट वो अपडेट करके आप डायरेक्ट फ्लाइट से ट्रैवल कर सकते हैं बट अगर आप किसी थर्ड कंट्री के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको उस थर्ड कंट्री का भी कोविड टेस्ट चाहिए होगा जिसके कारण अगर जैसे पहले हम इंडिया टू कैनेडा वाया फ्रैंकफर्ट लुफ्तानजा पे या ब्रिटिश एयरवेज पे या और कोई भी कंट्री के थ्रू आते थे जिसमें दो घंटे या तीन घंटे का ले होता था वो इस टाइम पे पॉसिबल नहीं है बिकॉज दो या तीन घंटे या इवन चार घंटे के ले में भी हम वो कोविड टेस्ट रिपोर्ट किसी थर्ड कंट्री से नहीं ले सकते तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हमें डायरेक्ट फ्लाइट ऑन एयर इंडिया या एयर कैनेडा लेनी पड़ती थी जो कि इस टाइम पे बहुत एक्सपेंसिव है बट आज गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये अपडेट दे दिया है कि वो अपनी जो थर्ड कंट्री के जो नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट की जो कंडीशन थी उसको वो रिमूव कर रहे हैं स्टार्टिंग टुडे उससे क्या होगा एक तो एयर फेयर में काफी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा बिकॉज तब हमारे पास डिमांड तो ज्यादा ऑलरेडी है ही है ट्रेवलर्स की बट उसमें आपको फ्लाइट के ऑप्शन भी ज्यादा मिल जाएंगे फिर आप चाहे डायरेक्ट फ्लाइट के थ्रू आए या फिर इनडायरेक्ट राउट के थ्रू तब आपके पास ऑप्शन ज्यादा होंगे एक्सप्लोर करने के लिए सो so जिससे कि प्राइस में भी काफी रिडक्शन आ सकती है सो so ये प्रॉपर न्यूज मैं आपको दिखाता हूँ जो कैनेडा डॉट सी ए की साइट पे भी है जैसे कि आप स्क्रीन पे ऊपर देख सकते हैं द गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा इज टेकिंग अ रिस्पॉन्सिबल प्रीकॉशनरी अप्रोच at the border to help protect Canadians from the global COVID-19 pandemic. Today, the Government of Canada is providing an update on its border measure removing effective 28 Jan 2022 the modified pre-departure test requirements for travelers coming to Canada on direct or indirect flights from India or Morocco. Travelers from these countries will no longer be required to obtain a valid negative pre-departure COVID test. फ्रॉम अ थर्ड कंट्री सो देट मींस आपको अब थर्ड कंट्री से कोविड टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है ऑल ट्रैवलर एंटरिंग कैनेडा आर नाउ सब्जेक्ट टू द सेम प्री एंट्री टेस्ट रिक्वायरमेंट रिगार्डलेस ऑफ देयर डिपार्चर कंट्री एंडिंग दिन फ्राम प्री एंट्री अरावल एंड एट दी रिक्वायरमेंट फॉर रेजिडेंट एंड असेंशियल वर्कर्स ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया हु हैव टू ट्रेवल बाई लैंड टू और थ्रू दुनाइटेड स्टेट्स For essential food and supplies. This will end on थर्टी फर्स्ट जैन ट्वेंटी ट्वेंटी टू सो जैसे आपने देखा ये कैनेडा डॉट सी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आज ही पब्लिश हुआ है तो एयरलाइंस को भी ये सर्कुलेट होना शुरू हो जाएगा आई वुड स्टिल रिकमेंड अगर आप इंडिया टू कैनेडा या कैनेडा टू इंडिया के लिए अपनी फ्लाइट देख रहे हो तो एयरलाइंस से आप ये इन्फॉर्मेशन प्लीज चेक कर लें बिफोर बुकिंग योर फ्लाइट थ्रू द इन राउट सो so दैट आपको एयरपोर्ट पे कोई प्रॉब्लम ना आए कि वहां पे अगर आपको ये कह दे कि आपको थर्ड कंट्री का भी कोविड टेस्ट चाहिए होगा एंड आपके पास उतना ले ओवर नहीं है तो जस्ट वेट फॉर वन वीक सो दैट ये वाली जो अनाउंसमेंट है ये बाकी एयरलाइंस को भी मिल जाए ताकि उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम ना होगा अपना फ्लाइट बुक करने के लिए बट फाइनली इस न्यूज के बाद ट्रैवल काफी ईज हो जाएगा इंडिया टू कैनेडा और कैनेडा टू इंडिया के लिए एंड उसी के साथ फ्लाई प्राइजिस में भी काफी फ्लक्चुएशन आपको देखने में मिलेगा बिकॉज जहां पे आप इंडिया टू कैनेडा 2000 हजार बेयर मिनिमम दो हजार से पच्चीस सौ की आपको टिकट मिल रही है वो फिर इजिली आपको 1500 की रेंज आपको फ्लाइट की मिलनी शुरू हो जाएगी फिर चाहे वो डायरेक्ट फ्लाइट के थ्रू हो या फिर इनडायरेक्ट फ्लाइट के थ्रू एंड आगे कुछ भी और गवर्नमेंट ऑफ कनेडा की तरफ से या एयन की तरफ से कोई भी और नया अपडेट आता है रिगार्डिंग इंडिया टू कनेडा या कैनेडा टू इंडिया के लिए अल्कि भी पोस्टेड एंड अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा इस वीडियो का तो so प्लीज इसे लाइक like जरूर कर देना शेयर कर दे इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आपको ऐसी कोई भी लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट आप मिस ना कर दें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टे हेल्दी एंड ट्रैवल सेफ